जी रात को हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। कल ही मैं एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें था कि 80% ख्वातीन जो हैं वो रात को सोने से 2 घंटे पहले से बेड में लेट जाती हैं और नींद उनको 2 घंटे बाद आती है और वो उस 2 घंटे के टाइम स्पैन में सिर्फ ओवर थिंकिंग करती हैं। ये सारी चीज़ें मतलब मुझे लगता है जो जिस बंदे ने पूरा दिन काफ़ी काम किया हो, क्योंकि ख्वातीन घर में काफ़ी काम करती हैं, उनको शायद लेटते ही नींद आ जानी चाहिए। क्यों हमें इतना टाइम लग रहा है और इतनी ओवरथिंकिंग? क्या उसकी रीज़न भी फूड है कि जो शुगर कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है, हमें सोने नहीं दे रही है? शुगर कंजम्पशन भी इतना नहीं है, बात स्क्रीन टाइम की आ जाती है। आपने देखा होगा जैसे ही हम लेटते हैं हम स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसके बगैर तो हमें लगता है कि वो नींद की एक दवाई है, उसके बगैर नींद नहीं आ सकती जब तक हम सबको नहीं देख लेंगे आखिरी दफ़ा कि किसने क्या क्या, 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 क्या क्या किया। तो एक तो स्क्रीन टाइम कम करने की ज़रूरत है, दूसरा ये है कि शुगर कंजम्पशन से हाँ मेंटल अफेक्ट आता है, आपका माइंड की प्रोसेसिंग जो है वो कम हो जाती है, मेमोरी लॉस स्टार्ट हो जाता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते लाइफ में। आप चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो आप पूरा दिन जो है वो ऐसे ही काम कर ही जा रहे हो, कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कोई इससे आपकी हेल्थ अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, आप वीकनेस फील करोगे, लेजीनेस होगी। मिनाहिल, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो डाइट भी बड़ी अच्छी खा रहे होते हैं, सब कुछ बड़ा अच्छा खा रहे होते हैं, लेकिन वो कुड़ते बहुत हैं। कुड़ते समझते हैं आप क्या? जेलस होना। वो जेलस बड़े होते हैं, उनको दूसरों की हजम नहीं होती, जल कुकड़े होते हैं, उनको जल कुकड़े होते हैं, वो कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। डज जेलसी अफेक्ट योर हेल्थ अ लॉट? डू यू एग्री? साइंस कहती है जी कहीं ना कहीं जेलसी का लिंक है, डायरेक्टली तो नहीं है, इनडायरेक्टली ज़रूर है। क्योंकि देखिए आप जेलस होंगे, आप चाहेंगे आपको भी वो चीज़ मिले, और हर इंसान जो है वो चीज़ नहीं कर सकता। हाँ।